नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्निकल भट्टागर में। अगर आप एक फ़ोन की तलाश में हैं और आपका बजट 15,000 है, तो ऐसे पांच फ़ोन मैं आज आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया फ़ोन होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और आपकी सभी की जो समस्याएं हैं, चाहे वो यूट्यूब SEO से हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम की प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है। टेक भटनागर करके आप सर्च करेंगे, वैसे मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। आज का जो सेगमेंट है हमारा, या कहूँ आज का जो हमारा एपिसोड है, उसके अंदर मैं बात जो है वो करूँगा फ़ोन्स के ऊपर। 15,000 के ऊपर कौन कौन से ऐसे फ़ोन्स हैं, या 15,000 के नीचे कौन से ऐसे फ़ोन्स हैं, या 15,000 से ऊपर का मतलब यहाँ पे 16-17 हज़ार तक है, और नीचे में तो फिर नीचे ही है, उसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। ये जो सेगमेंट है आज का हमारा, उसमें मैं कैमरे पे फोकस रहेगा मेरा, और खासकर मेरा जो फोकस रहेगा वो एक्सपेंसिव फ़ोन्स के ऊपर रहेगा, जो पहले 15,000 से 20,000 से ऊपर थे, और अब धीरे धीरे 6 महीने में वो हमारे खिसक के नीचे आ गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मैंने 5 फ़ोन ऐसे आपके लिए सिलेक्ट करे हैं। देखिए, जब भी हम लोग एक फ़ोन ख़रीदने जाते हैं तो हम उसकी रैम को देखते हैं। आज की डेट में एक नॉर्मल यूज़र्स की, जो जिसको टेक्निकल नॉलेज है वो तो खैर प्रोसेसर वगैरह भी सब कुछ देखता है, लेकिन जो एक नॉर्मल यूज़र है वो उसकी रैम को देखेगा, उसके कैमरे को देखेगा, और उसकी बैटरी बैकअप को देखेगा। क्योंकि स्मार्टफोन के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होती है वो एक बैटरी की बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इशू बहुत ज़्यादा आता है, और हम 10,000 mAh का जो पावर बैंक होती है उसको हम लेकर नहीं चल सकते। तो पहला जो फ़ोन मेरे पास आता है वो आता है ओप्पो का A52, 6/64/6/128 की ड्यूरेशन में ये आता है, यानी कि इसकी जो कैपेसिटी है वो 6 GB और 128 GB, यानी कि 6 GB रैम और 128 GB की आपको इंटरनल स्टोरेज मिलती है। फ़ोन अभी अमेजोन पे 16,000 समथिंग का बिक रहा है, लेकिन इसके साथ एक्सचेंज ऑफर भी चल रहे हैं, तो आप अपने पुराने फ़ोन्स को, बाबा आदम का ना हो, ऐसा फ़ोन हो जो उनके लिस्ट में आता हो, उसमें आप 2,000 से लेके 6,000 तक का एक्सचेंज ऑफर में आप उसे ले सकते हैं। फ़ोन काफ़ी अच्छा है। अगर इसके प्रोसेसर की हम बात करें तो स्नैपड्रैगन के ऊपर ये काम करता है, और साइड फिंगरप्रिंट इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। 4,500 mAh की इसमें बैटरी मिलती है, वहीं 12 MP, 8 MP और 2+2 MP का इसमें हमें रियर कैमरा मिलता है, वहीं 16 MP का हमें यहाँ पर सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है। फ़ोन अपने आप में काफ़ी हद तक कुछ नया यूनिकनेस लेके आता है, क्योंकि ये उस तरीके का फ़ोन है, जब लॉन्च हुआ था तो 20,000 के आसपास था, अभी भी 16-17 हज़ार के आसपास ये बिक रहा है। तो आप अगर एक ओप्पो का फ़ोन लेना चाहते हैं, ओप्पो का फ़ोन के लवर हैं, तो आप इस फ़ोन को इस प्राइस सेगमेंट में देख सकते हैं। इस पर आपको EMI भी मिल जाएगी, जो कि नो कॉस्ट EMI होगी, यानी कि 0% ब्याज पे वो आपको मिल सकती है। वहीं अगर दूसरे फ़ोन की हम बात करें तो Redmi Note 9 Pro एक ऐसा फ़ोन है जो काफ़ी सारे सेगमेंट्स में आता है। Note 9 Pro Max जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ, और Note 9 Pro, Note 9 भी आता है। तो ये तीनों फ़ोन जो हैं वो इस तरह के हैं कि इसमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। प्रो मैक्स में आपको 64 और 32 MP का कैमरा मिलता है रियर में, सॉरी 64 मिलता है आपको रियर में, और 32 MP मिलता है आपको सेल्फी में। वहीं अगर आप नोट 9 प्रो लेते हैं तो आपको 48, 8, 5 और 2 का कैमरा मिलता है, और 16 MP का आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा मिलता है। रेंज की अगर बात करूं तो अभी 13,000 के आसपास है, लेकिन अगर आप इसी फ़ोन को आउटलेट से लेंगे तो वहां पर आपको अच्छी स्कीम मिल सकती है, और इस फ़ोन के ऊपर भी एक्सचेंज आपको मिल जाएगा, और नो कॉस्ट EMI भी आपको मिल सकती है सर्टेन बैंक्स के कार्ड्स पर। तो अगर आप ये फ़ोन कंसिडर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उस फ़ोन में कतई कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। मैं भी इसको 6 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं प्रो मैक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिखाई नहीं देती। बस एक चीज़ मुझे इस फ़ोन में लगती है कि और फ़ोन्स के मुकाबले ये थोड़ा सा बल्कि है, क्योंकि 5,000 mAh की बैटरी मिलती है, और ये स्नैपड्रैगन 720 GB पर ये फ़ोन आपका रन करता है। अगर आप सैमसंग के दीवाने हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आप सैमसंग के दीवाने हैं तो सैमसंग गैलेक्सी M21 आपको मिल जाएगा 4/64 की रेंज में, साथ साथ 48, 5, 8 और 2 का आपको इसमें कैमरा मिलेगा, 20 MP के आपको सेल्फी इसमें आपको देखने को मिलेगा, 6,000 mAh की बैटरी मिलेगी। तो अगर आप बैटरी के दीवाने हैं तो आप इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं। इसका बैकअप जो है वो बहुत ही अच्छा बैकअप
कहा जा सकता है। ये तीनों फोन्स आपको अमेजोन पे इजीली अवेलेबल हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा अलग और बात करते हैं पोको एम टू की। पोको एम टू आपको मिलेगा 464 के वेरिएंट में, 15,000 के अंडर अगर आप जा रहे हैं। अगेन 48, 8, 5 और 2, 4 कैमरे का सेटअप और 16 MP का आपको इसके अंदर फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलेगा। स्नैपड्रैगन 720G पर ये चलेगा और 5000 mAh की बैटरी इसमें आपको देखने को मिलेगी। पोको एम टू का जो सबसे बढ़िया फीचर मुझे लगता है कि जो उसकी कैमरे की क्वालिटी होती है वो बहुत ही शानदार होती है। अगर आप रेडमी से कंपेयर करें तो वैसे तो है तो रेडमी का ही प्रोडक्ट, लेकिन जो क्वालिटी आती है, जो कलर्स निकल के आते हैं वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट आते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस लिस्ट में मेरे पास जो फ़ोन आता है वो आता है Realme 6i, जो अगेन आपको 464 की रेंज में मिलता है। 48, 8 और 5 और 2 का कैमरा इसके अंदर आपको मिलता है, वहीं 16 MP का इसमें आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है और ये मीडिया हेलो G90T के ऊपर ये काम करता है। 4500 mAh के लगभग इसकी बैटरी आपको मिलती है। तो Realme 6i के जो कैमरे होते हैं अगेन वो बहुत अच्छे होते हैं। अब इन फोन्स में से मेरे को कौन सा पसंद है, मैं अपनी राय अपने सामने आपके सामने रख देता हूँ। मेरे को पहले नंबर पे फ़ोन पसंद है Redmi का Note 9 Pro, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस मैं खुद कर रहा हूँ Pro Max के थ्रू, क्योंकि इसका भी प्रोसेसर लगभग लगभग वही है। कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है, गेमिंग पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप एक रियल क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें अच्छा लगता है। बस इसमें एक प्रॉब्लम मुझे दिखाई देती है, जब हम लोग गेमिंग में जाते हैं तो इसकी जो नॉच है आगे की, वाटर ड्रॉप जो नॉच है, वो कई बार गेमिंग करते समय दिक्कत करती है। वहाँ पर बार बार हमारा जो ध्यान है वो उस नॉच की तरफ जाता है। दूसरा, ये फ़ोन में थोड़ा सा मुझे बल्किनेस लगती है, ये थोड़ा सा फ़ोन हैवी है ड्यू टू द बैटरी पर्पसेस, लेकिन इस प्राइस सेगमेंट में सारे ही फ़ोन बल्कि आपको देखने को मिलते हैं। वहीं अगर दूसरे की बात करूं तो पोको एम टू आप कंसिडर कर सकते हैं। 48 MP का आपको इसमें कैमरा मिलता है, 48, 8, 5 और 2 का कैमरा आपको इसमें मिलता है। बहुत अच्छा ये फ़ोन है, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप सेल्फी के लिए लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि फिर आपको सैमसंग M21 आपको देखना चाहिए, क्योंकि उसमें 20 MP का कैमरा आपको सेल्फी में मिल जाता है। सभी के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप आसानी के साथ वहां से खरीद सकते हैं अगर आप मेरे लिंक से खरीदना चाहते हैं तो, नहीं तो आप फ्री हैं, आप कहीं से भी किसी के भी रिकमेंडेशन पे आप खरीद सकते हैं। तो ये 5 ऐसे फ़ोन थे जो मैंने आज आपको बताए। आप कौन सा इस्तेमाल इसमें से कर रहे हैं या आप कौन सा खरीदना चाह रहे हैं, अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कमेंट में। साथ साथ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम की आईडी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर ये डेडिकेटेड आईडी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। टेक भटनागर याद रखिएगा, आप सर्च कीजिएगा टेक भटनागर तो मेरी आईडी आपको मिल जाएगी, मैंने आज ही बनाई है। तो फॉलोअर्स उसमें अभी बहुत ही कम है, ना के बराबर ही है, तो बस आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरे फॉलोअर्स भी वहाँ पर गेन हो जाएंगे। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, इस तरह मेरे साथ बने रहिए। बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ नया आपको देने वाला हूँ। इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर मैंने एक पोल किया था, मैंने आपसे पूछा था, अभी वो पोल चल रहा है कि मैंने पूछा था कि इंस्टाग्राम रील्स पे वीडियो बनाऊं या यूट्यूब SEO पे बनाऊं, तो आप अपना कम्युनिटी टैब में जाके आप वोट कर सकते हैं कि आपको किस पे वीडियो चाहिए, नहीं तो आप कमेंट करके भी मेरे को बता सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।